Good morning, friends. In the last video, we have learned economic reforms, liberalization, privatization, and globalization. Now, today we will study its impact on business and industry. In other words, it is also said impact of changes in government policy on business and industry. 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एस्टैब्लिश की, उसका बहुत गहरा असर हमारी इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री पर पड़ा. नाउ वी एनालाइज दीज चेंजेस. द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. एलपीजी इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर इंडियन फर्म्स फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, स्पेशली इन सर्विस सेक्टर. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन फर्म्स के सामने फॉरेन कंपनीज की चुनौती खड़ी हो गई, वह भी स्पेशली सर्विस सेक्टर जैसे टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉम्पिटिशन प्राइवेट बैंक्स जैसे ICICI और मल्टीनेशनल बैंक जैसे HSBC, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ हो गई. अब इंडियन फर्म्स को इन फॉरेन कंपनीज के साथ बहुत कॉम्पिटिटिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी. नाउ द सेकेंड इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. मार्केट अवेयरनेस एंड कॉम्पिटिशन क्रिएट्स बायर्स मार्केट. अब कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने से हमारे कस्टमर्स बहुत अवेयर हो गए. उन्हें पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस कहाँ पर रिजनेबल प्राइसेस में, बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड होती है. इससे सेलर्स को न्यू टेक्निक्स यूज करके अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है. सो द मार्केट इज कन्वर्टेड इनटू बायर्स मार्केट फ्रॉम द सेलर्स मार्केट. द थर्ड इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. एडवांस टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड मशीन, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस. एलपीजी के कारण भारत में टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बहुत डायनामिक हो गया. अब इंडियन फर्म्स को भी फॉरेन फर्म्स के साथ कंपटीशन करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ी, जिससे हमें एडवांस मशीन्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होने लगी. फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंपनी स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नैनो कार्स सो दैट इट कैन स्टैंड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. अदर एग्जाम्पल इज ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. इट हैड मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 38% इन द टेलीविजन मार्केट, बट इट लॉस्ट इट्स मार्केट विद द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल ब्रांड्स लाइक BPL, ओनिडा एंड वीडियोकॉन. The next is necessity for change. Economic reforms converted stable market to dynamic one. Economic reforms से पहले भारत में environment, the market बहुत stable था. एक ही policy, plan, product, manufacturing process long term तक use होती थी. लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद यह स्टेबल मार्केट डायनामिक मार्केट में कन्वर्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज लाइक LG, Samsung, बजाज कीप ऑन चेंजिंग देयर प्रोडक्ट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट. द नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर स्टाफ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले भारत में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स ज्यादा थे, लेकिन अब हमें ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत पड़ने लगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जिससे हमारे वर्कर्स का परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो. द सिक्स्थ इज मार्केट ओरिएंटेशन. Competition and consumerism shifted production-oriented approach to market-oriented. Now, what is this production-oriented approach? इस अप्रोच में प्रोड्यूसर्स कम और कंज्यूमर्स ज्यादा थे, तो प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता था वह आसानी से मार्केट में सेल हो जाता था. इससे प्रोड्यूसर की मनमानी मार्केट में चलती थी, लेकिन बाद में कंपटीशन के कारण यह मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में कन्वर्ट हो गया, जिससे प्रोड्यूसर्स ज्यादा और कंज्यूमर्स कम हो गए. अब
प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन होने लगी। अब उनके लिए मार्केट रिसर्च करना जरूरी हो गया। पहले वे आइडेंटिफाई करने लगे कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स कौन सी है, वह किस प्राइस में गुड्स परचेज करना पसंद करेंगे, और उसके हिसाब से ही उन्हें अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। द लास्ट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव टू बी कॉम्पिटिटिव टू सर्वाइव एंड ग्रो। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दिए उससे पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया। अब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लॉसेस को बजट के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प देना बंद कर दिया, जिससे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करके ही अपने रिसोर्सेज अरेंज करने होंगे और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव और ग्रो करना पड़ेगा। Now at the end, these economic reforms LPG have a positive impact on our business and industry. इन economic reforms के कारण हमारी business और industries ने बहुत development किया और consumer को better goods and services provide किए। I hope you have understood all the impact of changes in business and industry. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.